जो रुझान आ रहे हैं खुश हैं, अच्छी शुरुआत हुई मध्य प्रदेश में खासतौर से। जी, स्वाभाविक तरीके से हम खुश भी हैं और गौरवान्वित हैं। और आप अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में आगे चल रहे हैं, तो एक तरह से अगर नतीजे बीजेपी की फेवर में जाते हैं, जैसा कि हालांकि दिग्विजय सिंह अब से कुछ देर पहले कह चुके हैं कि काम समेटना होगा शिवराज सिंह चौहान को, उनके अच्छे दिन खत्म हो रहे हैं, 130 के पार जाएगी कांग्रेस, लेकिन अगर बीजेपी के खाते में सारी सीट बहुमत का आंकड़ा आता है, तो क्या हम एक भावी मुख्यमंत्री से भी बात कर रहे हैं? भावी मुख्यमंत्री का एक चेहरा है जिससे हम इस वक्त बात कर रहे हैं। आपने दिग्विजय सिंह की चर्चा की है, तो कमलनाथ को भी याद कर लीजिए। मुझे मेरे जीतने की जितनी खुशी होगी, उससे कहीं ज़्यादा छिंदवाड़ा भाजपा जीतने की खुशी होगी। और जब मैं पहला समाचार सुन रहा हूँ कि कमलनाथ के जो दिन हैं वो पूरे हो रहे हैं, उनका कला ढह रहा है। दिग्विजय सिंह जी, थोड़ा उसके बारे में भी टिप्पणी करें तो अच्छा होगा। हम बहुमत की सरकार बना रहे हैं, प्रचंड बहुमत की सरकार बना रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री 5वीं बार मध्य प्रदेश में बनेगा, ये साफ दिखता है। और ये बात हम पहले से कहते रहे। तो पहला जी, हमें क्या भावी मुख्यमंत्री से भी बात कर रहे हैं अगर बीजेपी जीतती है मध्य प्रदेश से तो? मुझे लगता है कि ये मैं पहले दिन से कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में अटकलबाजियों से राजनीति नहीं होती, और अब परिणाम आ गए हैं। उसके बाद पे भारतीय जनता पार्टी तय करेगी विधायक दल में कि कौन इसका नेता होगा। इसमें प्रहलाद पटेल को कोई टिप्पणी ना तो करनी है और ना करनी चाहिए। जी, एक सवाल मेरी तरफ से, फिर मैं आसिफ को हैंड ओवर करूंगी। प्रहलाद जी, कांग्रेस ने अपना चेहरा उतारा, कमलनाथ का चेहरा सामने है और वो चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन बीजेपी एक तरह से असमंजस में दिखाई दे रही थी कि हम चेहरा क्या शिवराज सिंह को बनाए नहीं बनाए, या प्रधानमंत्री मोदी ही बीजेपी का चेहरा होंगे, तो ये असमंजस क्यों था बीजेपी में प्रचार के दौरान? नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी का असमंजस नहीं है। दिग्विजय सिंह और कमलनाथ थके हुए चेहरे हैं। कांग्रेस के पास नेतृत्व तो दूसरी पंक्ति का था नहीं। मैंने ये बात बड़ी जिम्मेदारी से कही थी कि 2003 में हम कमलनाथ और दिग्विजय सिंह जी को हरा चुके हैं। अभी हम जिस प्रकार से हमारा नेतृत्व, जिनकी बात आप कर रहे हैं, हम 2003 में परवान चढ़े हुए नेता हैं। हमारे आपस की कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। अभी एक वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, एक राष्ट्रीय महामंत्री संगठन में है, और हम बाकी लोग केंद्र में मंत्री हैं। हम में झगड़ा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अपना फैसला रणनीतिक आधार पर पहले से तय करती है। इन पांचों राज्यों में कहीं पर भी नेतृत्व घोषित नहीं किया गया। इसको असमंजस नहीं मानना चाहिए, इसको रणनीति का हिस्सा मानना चाहिए, ये मैं जरूर कहूंगा। जी, मेरे सीधे सवालों का सीधा जवाब आसिफ ज्योति मुझे मिल नहीं रहा है, आप लोग सवाल कोशिश है करें। जी, मैं कोशिश करता हूं। नहीं, सीधा जवाब है। मैं आपको बताऊं, बिल्कुल सीधा जवाब है कि पांचों राज्यों में हम सामूहिक नेतृत्व की नीति के साथ लड़ने के लिए गए थे, और इसलिए अभी कोई दुविधा और प्रतिस्पर्धा हम में नहीं है। कांग्रेस ये सोचती थी, लेकिन कांग्रेस के पास दूसरी पंक्ति का नेतृत्व ही नहीं है, तो जो उसकी समस्या, और इसलिए मैंने कहा था ये थका हुआ नेतृत्व हारेगा। और पहले राउंड में जब मैं कमलनाथ को पीछे का समाचार सुन रहा हूँ, तो मैं इतना गौरवान्वित और प्रफुल्लित हूँ जितना मैं अपनी बढ़त से नहीं हूँ, उससे कहीं ज़्यादा। कमलनाथ के पीछे ढकेलने की जो मेरी बात थी कि ये गढ़ रहेगा, वो आज मुझे दिख रहा है, तो मैं गौरवान्वित हूँ। लेकिन प्रहलाद जी, अभी कॉन्फिडेंट कांग्रेस? प्रहलाद जी, मेरा आपसे सवाल है, जब रणनीति की बात चल रही है, तो रणनीति की बात पर मैं आपसे ये पूछता हूँ, 7 सांसद, 3 केंद्रीय मंत्री, 1 बीजेपी राष्ट्रीय महासचिव, मुख्यमंत्री हैं ही, गृहमंत्री हैं, तमाम बड़े नेता हैं, तो मुख्यमंत्री का ताज तो किसी एक के सिर सजेगा, उसके बाद सांसदों और केंद्रीय मंत्रियों की अगली भूमिका क्या होगी? 24 भी सामने है। देखिए, मैं ऐसा व्यक्ति हूँ जो 4 अलग अलग स्थानों पर लोकसभा का चुनाव लड़ा हूँ। पहली बार मैं मध्य प्रदेश की विधानसभा का चुनाव लड़ रहा हूँ, मैं इसके पहले नहीं लड़ा, बाकी लोग तो विधानसभा के चुनाव लड़े भी हैं। मुझे लगता है कि ये फैसला पार्टी करेगी कि किस को केंद्र में रहना है, किसको राज्य में रहना है। ये भारतीय जनता पार्टी में व्यक्ति की राजनीति होती है, तो इसलिए दुविधा, आपको भी ये बात अच्छी तरह से पता है, इसलिए दुविधा कहीं है नहीं। बस मुझे लगता है कि अब तो रिजल्ट आने के बाद में 2-3 दिन में सारा चित्र सामने आ जाएगा, कौन केंद्र में रहेगा, कौन राज्य में रहेगा, पार्टी फैसला करेगी। थोड़ा हिंट तो मिल सकता है ना हमें, 124 पर आप लोग आगे चल रहे हैं इस वक्त, रुझान है मध्य प्रदेश में?
मुझे लगता है कि जो लोग अपन जब एग्जाम देते थे तो जब जो पढ़ते नहीं है वो गैसिंग के चक्कर में रहते हैं, लेकिन पढ़ाई ठीक से हो तो गैसिंग की जरूरत पड़ती नहीं है। मुझे लगता है अनुमान आपको लगाना चाहिए, ये आपका काम है, ये बात सच है कि मीडिया ने जो आकलन किया है वो ठीक दिशा में। चलिए कुछ कुछ जवाब मिल रहा है मुझे। ज्योति सहलान जी, सवाल एक ये भी कि क्या आप भी कहेंगे कि मोदी मैजिक का कमाल है, ये मोदी के चेहरे का कमाल है, क्योंकि जिस तरीके से एक के बाद एक रैली, रोड शो और धुआंधार प्रचार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश में किया था, उसी का असर ये है? मोदी जी का चेहरा पूरी दुनिया में नेता के रूप में माना जाता है, प्रेरणा लोग उनसे लेते हैं, तो हम भाग्यशाली हैं कि वो हमारे प्रधानमंत्री हैं, हमारे नेता हैं, और इसलिए उनका चेहरा सामने लेकर जाना। अब कांग्रेस के पास कोई ऐसा नेता नहीं है या चेहरा नहीं है तो ये कांग्रेस का दुर्भाग्य है, ये हमारा सौभाग्य है कि वो ऐसे नेता हमारे पास है, अमित भाई जैसे रणनीतिकार हमारे पास में है। एक बार होती है नीतियाँ और दूसरी होती है रणनीति। हम नेता और नेतृत्व की दृष्टि से मजबूत हैं, रणनीतिक दृष्टि से अमित भाई जैसे लोग हैं। मध्य प्रदेश में एक बेहतरीन संगठन है, मध्य प्रदेश सरकार का बहुत एक्सीलेंट वर्क है जिसने महिला सशक्तिकरण में इतिहास बनाया, तो मुझे लगता है कि ये सारी चीजें इकट्ठी होकर हम ताकतवर हुए हैं। जी आसिफ जी, प्रहलाद जी आपसे एक सवाल है। जालम सिंह पटेल नरसिंहपुर से विधायक थे, आपको जब पता लगा कि आपको पार्टी चाहती कि आप लड़ें तो भाई ने कुछ कहा आपको? मुझे लगता है कि आसिफ भाई ये बहुत गर्व की बात है कि मेरे भाई ने परिवारवाद पर तमाचा लगाया। उनको नरसिंहपुर से टिकट तय थी, मैंने तो छिंदवाड़ा के चोरी से अपना सहमति दी थी, आज मैं कहने के लिए तत्पर हूँ, और या फिर मुझे जबलपुर की किसी सीट से मुझे फैसला करने का अधिकार था, लेकिन मेरे भाई ने इस बात को स्वीकार नहीं किया। उनने तीन ही बातें कही थी, दोनों भाइयों को विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। दूसरा, मुझसे वो अटैच्ड है, उनने कहा कि जब आप चुनाव लड़ेंगे तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, इसलिए मेरी सीट खाली होगी तो पार्टी के पास वो गए और पार्टी से फैसला कराकर वो लेकर आए। राजनीति में ऐसा समर्पण, ऐसा त्याग और परिवारवाद पर तमाचा लगाने की सामर्थ्य जालम सिंह जी जैसे व्यक्ति में हो सकती है। ये सवाल मैंने प्रहलाद जी आपसे इसलिए पूछा क्योंकि एक और सीट है नर्मदापुरम, वहां भाई वर्सेस भाई की जंग है। सीतासरण शर्मा आपकी तरफ से हैं तो उनके बड़े भाई गिरिजा शंकर शर्मा कांग्रेस ज्वाइन करके उनके सामने खड़े हैं, तो कुछ नजीर कुछ मिसाल देना चाहेंगे आप जालम सिंह पटेल की उनको? मुझे लगता है कि नर्मदा नरसिंहपुर से होशंगाबाद की तरफ बहती है, आज नहीं कल ये भी शायद भाव बदलेंगे, ऐसा ही मैं विश्वास कर सकता हूँ। अब ये तो उनको परिवार के लोगों को तय करना है कि वो कैसा बर्ताव करते हैं, लेकिन मेरे परिवार के संस्कार और मैं देखकर मैंने अपने आप को गौरवान्वित महसूस तो किया ही है, और जिस परिस्थिति में उन्होंने ये त्याग किया है, जिस प्रकार से हमारा परिवार दुख के दौर से गुजर रहा है, उसमें ये उनका त्याग और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। और मैं मानता हूँ कि मैं समझ सकता हूँ, मैं कोई सार्वजनिक तरीके से नहीं कह रहा, लेकिन आज के स्थिति में मेरे परिवार की जो परिस्थिति है उसमें मेरा जैसा व्यक्ति भी हिल गया है, और उसमें उनकी ये भूमिका हमको गौरवान्वित करती है। जी आप प्रहलाद जी, आज इन राज्यों के चुनावों के नतीजे एक तरह से तय करेंगे 2024 के लोकसभा चुनावों का नजरिया भी, राजनीति भी, एक तरह से सेमीफाइनल है ये चुनाव, तो जरूरी था, जैसा कि पोल पंडित जानकार ये कह रहे हैं कि जरूरी था कि प्रधानमंत्री मोदी को एक बार फिर वो चेहरा बीजेपी प्रोजेक्ट करे बजाय कि रीजनल नेताओं के या आपके राज्य नेतृत्व को, तो ये एक रणनीति रही बीजेपी की कि मोदी आगे रहेंगे और तमाम नेता पीछे, क्योंकि ये सेमीफाइनल है लोकसभा चुनावों का और मोदी के नाम पर ही चुनाव लड़ा जाए। मैंने पहले दिन ही एक टिप्पणी की थी कि पांचों राज्यों में जो पिछला हमारा परफॉर्मेंस है हम उससे बेहतर करेंगे, नंबर एक। नंबर दो कि हम मध्य प्रदेश में और राजस्थान में अच्छी प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएंगे। मुझे लगता है कि मोदी जी के चेहरे के पहचान की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये सच है जो बात मैंने पहले आपसे कही है कि हम भाग्यशाली हैं कि हमारे पास ऐसा नेतृत्व है, हमारे पास ऐसी नीतियाँ हैं, हमारे नेतृत्व और हमारे विचार को अब दुनिया स्वीकार कर रही है। दूसरा, रणनीति तय करने वाले नेता हैं अमित भाई, नड्डा जी जैसे लोग हैं, जो संगठनात्मक ढांचा है, और हमारी कोशिश ये है कि हम राज्यों में सरकारों की संख्या में इसलिए चाहिए कि हमारे पास में केंद्र में बहुमत है लेकिन राज्यसभा में अभी भी हम बहुमत से दूर हैं, भले हम सबसे बड़ी पार्टी है वहाँ, कांग्रेस हमसे बहुत पीछे है, तो मुझे लगता है कि हमें राज्यसभा में तो बहुमत चाहिए, बड़े काम करने हैं, तेजी के साथ करने हैं, तो हमें सतत मेहनत करनी होगी,
और इसलिए मोदी जी का नेतृत्व तो आम आदमी की पहचान है। आज मैं गरीब आदमी से जब बात करता हूँ तो वो सीधे मोदी जी का नाम लेता है, तो स्वाभाविक तरीके से जो कनेक्शन है वो 2024 हमारे लिए चुनौती नहीं है, लेकिन 2024 में हमको उससे आज की वर्तमान संख्या से ज्यादा संख्या चाहिए, ये लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी का, ये संकल्प है भारतीय जनता पार्टी का। तो क्या इस वक्त जो काम कर रहा है, जो रुझान बता रहे हैं 128 में बीजेपी आगे चल रही है खासतौर से मध्य प्रदेश में, तो क्या शिवराज सिंह की कल्याणकारी योजनाएं और तमाम जो ऐलान थे वो काम नहीं कर रहे थे, चेहरे इस वक्त काम कर रहे हैं और यही नतीजा हम देख रहे हैं रुझानों में? देखिए, मुझे लगता है कि चुनाव के बीच में कांग्रेस ने बहुत स्टैंड बदले, कभी उन्हें हमारे शिवराज जी को निरीह बताया, कहीं उन्हें कहा बंडर बोरिया बांध लो, उनकी कन्या पूजन का मजाक उड़ाया। ये जो परिस्थितियां हैं, ये परिस्थितियां लोकतंत्र के लिए अच्छी नहीं है। हमारे कामकाज पर हम समीक्षा सदैव करते हैं, पार्टी के भीतर समीक्षा होती है और इसलिए उसी के आधार पर रणनीति तय होती है। हमारे यहाँ व्यक्तिवाद को भी बहुत महत्व नहीं दिया जाता, ये बात सच्चाई है। और इसलिए मुझे लगता है कि कार्यकर्ता को कब कौन सी जिम्मेदारी मिलेगी ये भारतीय जनता पार्टी तय करती है। इसका ये मतलब नहीं कि कोई व्यक्ति अयोग्य हो गया, कमजोर हो गया, विफल हो गया, ऐसा नहीं होता। आखिरकार कार्यकर्ताओं की इतनी बड़ी फौज है, नेतृत्व का इतनी बड़ी संख्या में यहाँ उपस्थिति है। मैंने आपको पहले ही कहा, कांग्रेस के पास में दिग्विजय सिंह कमलनाथ के अलावा तीसरा नेता का मध्य प्रदेश में कोई नाम नहीं जानता, लेकिन हम सातों चारों पाँचों लोग लगातार चर्चा में बने रहे। कांग्रेस के लिए भी एजेंडा था, मीडिया के लिए भी एजेंडा था और प्रदेश की जनता के लिए भी था। कांग्रेस की तरफ से मुझे लगता है हमारी ताकत है, ये हमारी कमजोरी नहीं है। बीजेपी के पास चेहरों की कमी पड़ गई है जो केंद्रीय नेताओं को मैदान में उतारा, नहीं ये कांग्रेस ने कहा था। देखिए, हम 86 से 7 काम करने वाले पांचों लोग थे और कभी कोई दूसरी, कभी कभी किसी किसी भूमिका में रहा, मैं दूसरी बार केंद्र में मंत्री बना हूं, तो सबकी भूमिकाएं बदलती रही हैं, लेकिन हम लोगों के व्यवहार और बर्ताव में कोई फर्क नहीं आया। प्रतिस्पर्धा हमारे बीच में नहीं है, ये मैं कहता हूँ। कांग्रेस ने ये कोशिश की, लेकिन मैंने चुनाव के बीच में ही एक बात कही थी कि हम पांचों दोस्तों में मध्य प्रदेश की जनता के बीच में अगर कोई चेहरा पहचाना हुआ है तो वो शिवराज जी का है। 17 साल जो व्यक्ति मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा, स्वाभाविक है कि आम आदमी उसको पहचानेगा। मेरी पहचान कार्यकर्ताओं में हो सकती है, लेकिन आम आदमी कितने पहचानते होंगे मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं है। मुझे मालूम है कि शिवराज जी को ज्यादा लोग पहचानते हैं, पर अब मध्य प्रदेश की जनता आपको भी पहचानती है, तो भूमिका बदल भी सकती है आपकी प्रहलाद जी नतीजों के बाद। नहीं, आप लोग पहचान करा देते हो, ये सच है। धन्यवाद आपको। सवाल आपसे घुमा फिरा के, वैसे प्रहलाद जी बार बार यही पूछा जा रहा है कि क्या भावी मुख्यमंत्री से हम बात कर रहे हैं, क्या उनसे हमें सवालों के जवाब मिल रहे हैं, जिसका आपने सीधे तौर पर बिल्कुल जवाब नहीं दिया। कितनी बार भी पूछेंगे, पार्टी की नीति जो है उस नीति से परे कोई जाता नहीं, भारतीय जनता पार्टी ही उत्तरदायित्व तय करती है। प्रहलाद जी, आपसे एक सवाल है। सदियों पहले हिरण्यकश्यप ने होलिका के हवाले कर दिया था प्रहलाद को, और प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ था, होलिका भस्म हो गई थी। तो प्रहलाद पटेल के नरसिंहपुर से चुनाव लड़ने के बाद आसपास की कितनी सीटों पर आपने विरोधियों को भस्म कर दिया? नहीं नहीं, मैं भस्म करने वाला कोई नहीं होता। अगर कोई मुझे नुकसान करने की कोशिश कर रहा है तो वो भस्म हो गया, उसमें कमलनाथ जी भी एक है, बात मान के चलिए। मैं किसी को रिवेंज के साथ राजनीति मैंने नहीं की, मेरा 4 दशक का मेरा राजनीतिक जीवन है। लेकिन हाँ, मैं पूरी ईमानदारी के साथ अगर मैं विरोधी हूँ तो विरोध करता हूँ, ताकत के साथ करता हूँ। मैं 3 रात नरसिंहपुर में सोया, तो 3 रात में उम्मीदवार बनने के बाद छिंदवाड़ा में सोया, क्योंकि मैंने तय किया था कि छिंदवाड़ा की फतेह मेरे लिए ज़रूरी है और इसलिए मैंने उसमें कोशिश की है। महाकौशल का परिणाम अच्छा आएगा तो मैं गौरवान्वित महसूस करूंगा और अपने कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दूंगा। बहुत शुभकामनाएं आपको।